प्रार्थना 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 क्या हुआ? परेशान से क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक तो हो? सॉरी मिसेस जरीवाला, मैं आपकी पार्टी जल्दी छोड़कर चली आई, और मैं रियो की तरफ से भी माफी मांगूंगी, वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गए थे इसलिए आ नहीं पाए. या श्योर? या आई एम सॉरी वंस अगेन. या बाय. प्रार्थना? क्या हुआ? प्रार्थना 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 क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? ये चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? टेल मी क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, हम ठीक हैं. लग तो नहीं रही हो? और तुम तो ये कह के गई थी ना कि बाहर जा रही हो. क्या हुआ वहाँ? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मम्मी जी, हम ठीक हैं मम्मी जी. प्रार्थना के लिए खाना लगाइए मिसेस डिसूजा. जी मम्मी जी, हम खाना बाद में खा लेंगे, हम रेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज. As you wish. प्रार्थना क्या हुआ? प्रार्थना मैं हूं अक्षय. प्रार्थना प्रार्थना इट्स मी. प्रार्थना इट्स मी अक्षय. क्या हुआ? आई एम सो सॉरी प्रार्थना, अगर इस तरह अचानक तुम मुझे देख के डर गई तो. इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें ऑफिस से आते हुए फोन भी किया था, लेकिन कंटिन्यूअसली एंगेज. प्रार्थना तुमने फोन ऐसे क्यों रखा हुआ है? हाँ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. टेल मी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? प्रार्थना टेल मी व्हाट हैपेंड. क्या हुआ? टेल मी. अक्षय अक्षय, हमने बुरा सपना देखा था, लेकिन जैसे जागती आंखों से. रिलैक्स रिलैक्स नाउ. ज्यादा सोचती रहती हो ना, उसी का नतीजा है. और वैसे भी प्रार्थना, जिंदगी में बुरी चीजों को देखकर भी उन्हें बुला देना चाहिए. याद रखनी चाहिए तो सिर्फ वो बातें जो जिंदगी दे, जैसे मैं, मेरा प्यार. गिव मी अ स्माइल. थैंक गॉड तेरा फोन तो कनेक्ट हुआ.
कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन एंगेज क्यों आ रहा है? तूने क्या फोन का रिसीवर नीचे रख दिया था? प्रार्थना, आई नो तूने जो कुछ भी देखा, आई मीन आर यू ओके नाउ? हेलो प्रार्थना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम बोलने का मौका दोगी तब ना। अक्षय, क्या बात है सिद्धि, क्या देखा प्रार्थना ने? She was really very upset. In fact, बहुत डरी हुई थी। बताओ मुझे क्या बात है? अक्षय, प्रार्थना कहाँ है? यही है मेरे पास, सो रही है। उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, बस इतना कहा कि उसने एक बुरा सपना देखा, वो भी जागती आंखों से। देखो सिद्धि, I know कि कुछ तो प्रॉब्लम है। Just please tell me. वो बस एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग सिद्धि, तुम भी बहुत परेशान लग रही हो, टेल मी व्हाट हैपेंड। नथिंग अक्षय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि प्रार्थना कितनी इमोशनल है, इसलिए आज जब हम मिले और मिलने के बाद अलग होने लगे तो वो और मैं, हम दोनों ही काफी अपसेट थे। कोई अपना इस तरह कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह मिले तो अजीब सा लगता है ना, बस यही बात ही और कुछ भी नहीं। Are you sure? Yeah, really. इसलिए तो मैंने फोन किया था। Anyways, अब आप बताइए जना, शादी के बाद रोमांस कम हुआ या बढ़ा? Well, अभी तक तो एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन जब प्रार्थना को देखता हूँ तो जरूर लगता है कि बॉस यू आर मैरिड नाउ। तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारी और ज्ञान की गाड़ी कहाँ तक बढ़ी? क्या हाल है ज्ञान साहब के? ज्ञान को क्या होगा? He is fine. अच्छा ही होगा वो तो। Okay, I'll speak to you later, अक्षय. वैसे परसों हम लोग लंदन वापस जा रहे हैं, जाने से पहले मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ज्ञान का नाम सुनते ही सिद्धि को क्या हो गया? सिद्धि, बेबी वो साड़ीज पकड़ाना। सिद्धि, साड़ीज। मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। ज्ञान से फोन पर बात करने के बारे में सोच रही हो ना? सिद्धि, भूल जाओ उसे, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो, उसकी फैमिली, वो देहाती लोग तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएंगे। तुम्हें चाहिए लंदन जैसी लाइफस्टाइल और वो लोग, फॉरगेट अबाउट हिम सिद्धि। और वैसे भी जिस लड़के ने शादी से पहले अपने परिवार को आगे रखा हो, वो शादी के बाद तुमसे क्या क्या काम करवाएंगे? You're right, Mom. शायद आप ठीक कह रहे हैं। ये ले पुत्र, तेरे बाबूजी के ये कपड़े भी रख ले। कीपर जाए जी। हाँ सुन, इसको रख सर। I'm really very sorry, uncle. आज आप सब लोग वापस पंजाब जा रहे हैं और मैं अब आपसे मिलने आ रहा हूँ। पता नहीं यार, माफ़ी तो बल्कि हमें मांगनी चाहिए, तेरी शादी में शरीक नहीं हो सके।
वो एक दिन देरी से पहुंचे ना, वरना तो बड़ी तमन्ना थी कि तेरी बारात में ऐसा भंगड़ा पाते कि पूरा बंबई देखता। जी, इसने शादी तो हमारे बगैर कर ली है। मैं कहती हूँ अब बता हमको अपनी बहू से कब मिलवा रहे। हाँ, हम भी तो देखे ना अपनी बहू को। जब आप कहें आंटी जी अभी चलिए। ना ना, आज तो अगर हम जा नहीं रहे होते तो जरूर मिलते, लेकिन तू बहू को लेके पंजाब आना हमारे पास, इसको भी साथ में लेकर आना। हाँ हाँ, और वो भी जोड़े से। अब देखो ना, हमें भी तो इसकी शादी करवानी है ना। पता है कितने चंगे चंगे रिश्ते आ रहे हैं इसके वास्ते, है ना? मैं क्या जी, अब मैंने इसकी एक नहीं सुननी है, जल्दी से इसकी भी शादी कर देनी है। अरे वो तो जब होनी है तब होनी ही है, फिलहाल तो दोनों दोस्तों को आपस में बातें करने दो। चलो तैयारियां शेयर करो, चलो 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 चलो। दिख रहा है क्या कर रही है। पुत्र, अपने यार से दिल खोल के बातें कर लेना, इसके दिल में कुछ है जो बाहर नहीं आ रहा है। हेलो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तूने अभी तक बताया नहीं सबको सिद्धि के बारे में। सिद्धि? कौन सिद्धि? मैं किसी सिद्धि को नहीं जानता, इनफैक्ट उल्टा है, अब सिद्धि मुझे नहीं जानती। ये ड्रामा बंद कर और साफ साफ बता हुआ क्या है। सिद्धि को सिर्फ लाइफ पार्टनर चाहिए, पूरी फैमिली नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू हर मैंने उसे धोखा दिया है, क्योंकि मैंने उससे पहले नहीं बताया कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। बस खत्म, द एंड। और तू, तूने समझाया नहीं उसको? नहीं दोस्त, प्यार और जीवन भर का रिश्ता समझा कर मांगा नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि रिश्ते वहाँ ऊपर स्वर्ग में बनते, लेकिन स्वर्ग और धरती के बीच ही दूरी इतनी ज़्यादा है कि हमारा रिश्ता वहाँ से यहाँ आते आते समाप्त हो गया, द एंड। कमॉन यार, अगर कोई और होता और वो ऐसी बातें करता ना तो मैं फिर भी समझ लेता, लेकिन तू तो समझदार है यार। तू जानता है कि वो लंदन में पली बड़ी है, वहां के लाइफस्टाइल्स, वहां के वैल्यूज, अभी तक उसने यही सब सीखा है, तो उसकी सोच भी तो ऐसी होगी ना। थोड़ा वक्त दे उसे, कुछ वक्त बाद वो खुद तेरे पास वापस चली आएगी। And I'm damn sure about it. वो हमारे पास कैसे जा सकती? अब वो नहीं आएगी, बहुत देर हो चुकी है, कड्डी भी छूटने वाली है, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ पंजाब जा रहा हूँ। करूं, पापा जी को बता दो कि मैंने उन्हें देखा था। नहीं, मैं कैसे कह पाऊंगी उन्हें, और वो भी नहीं, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किससे कहूं? ये जो गलत हो रहा है इसे तो रोकना ही होगा, क्या करूं? करें, हमने कल जो देखा वो बात हम मम्मी जी को कहें या अक्षय को, लेकिन कैसे कहें कि हमने पापा जी को? हे भगवान, हमारी मदद करो। प्रार्थना, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? कम या बेटा,
Come on, come here. इतना अच्छा पियानो पीस सुना है मैंने तुम्हें, कम से कम ताली तो रिजर्व करता हूं, राइट? सो ऐसी हो तुम, मुझसे कुछ छुपा भी सकती हो। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रार्थना। प्रेम बता रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। आपकी नजरों में मेरी क्या कीमत है ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पर सोसाइटी में उसकी नुमाइश करने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, अब मुझसे क्या गलती होगी? कल रात मिस्टर जरीवाला की पार्टी में सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे, और आप? ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, कहीं और बिजी था तो। इतने कहां बिजी थे कि अपने इतने अच्छे दोस्त की पार्टी अटेंड करना ही भूल गए? लुक सो, आई सेड आई एम सॉरी, और उसे भी बोल दूंगा। इनफैक्ट तुम मेरी तरफ से बोल देती तो। इतने सालों से यही तो करती आ रही हूँ रियो, आपके कहने का इंतजार करती। कल ही कह दिया था मैंने उनको सॉरी। थैंक्स। लेकिन अब आप मुझे तो बता दीजिए कि आप आए क्यों नहीं, थे कहाँ? कहीं भी था उसे तुम्हें मतलब? Come on, Sue. मुझे अपनी शाम कहाँ बितानी है, किसके साथ बितानी है, उसके लिए अब तुमसे परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेनी होती तो आप बहुत पहले लेते, अब तो आप इतने आगे निकल गए हैं कि बताना भी जरूरी नहीं समझते। वैसे मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि कल रात आप कहाँ रहे होंगे। What rubbish! मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था। Now come on, Sue. अपनी ये बकवास स्टोरीज बनाना बंद करो और मेरा इतना जो अच्छा मूड है उसे बर्बाद मत करो, प्लीज। Yeah, sure. Enjoy yourself. लाइफ में आज तक समझ में नहीं आया कि ये औरतें ऐसी क्यों होती। उप्स, गलत जगह सवाल कर लिया। आफ्टर ऑल तुम भी एक औरत हो ना। नेवर माइंड। बर्बाद करो इनका, मेरी यहाँ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इन्हें अपने मूड की पड़ी है। कुछ चाहिए? अगर इसी तरह से चुप रहने आई हो तो चली जाओ यहां से। वो मम्मी जी, पापा जी झूठ बोल रहे थे। क्या कहा तुमने? हाँ मम्मी जी, पापा जी ने आपसे झूठ बोला था कि वो कल मीटिंग में थे। ये
ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि क्योंकि हमने कल उन्हें देखा था जब हम घर से बाहर गए थे। वो एक डिस्क में, एक पब में किसी के साथ थे। विश्वास ही नहीं हुआ मम्मी जी कि पापा जी ऐसे, और वो भी आपसे छुपाकर। मम्मी जी हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमें लगा कि एक पत्नी होने के नाते आपको ये सब पता होना चाहिए। मैं जानती हूं प्रार्थना, सब जानती हूं। आज से नहीं, सालों से। तुमने तो उन्हें सिर्फ कल रात पब में देखा। मैंने तो